जहां पर देवरिया जिले से थाना भलवनी के गंडेर गांव में तीन दिन पूर्व जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट होती है, इसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है और वीडियो में आपको दिखा दें हाथापाई किस तरह से हुई, उसके बाद जमकर मारपीट किस तरह से हुई है, एक दूसरे को किस तरह से ये मारते पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। महिला भी उसमें शामिल है, पुरुष भी उसमें शामिल है। कुछ लोग बीच में आकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बीच में हाथ साफ कर चले जाते हैं। वीडियो में कुछ लोगों ने लाठी डंडों से भी कुछ लोगों को पीटा है, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई। दो पक्षों के बीच में, एक रामबड़ाई पक्ष है, एक मुन्ना रंगवा पक्ष है, दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद था 25 साल मुकदमा लड़ने के बाद। इसमें रामबड़ाई पक्ष जीत गया था। अभी बीच में 9 तारीख को ये मुन्ना रंगवा जो मुकदमा हार गया था उसमें और रामबड़ाई में फिर दोबारा कब्जे को लेकर के या नाबदारी को लेकर के मनीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके देवरिया से। मनीष, जमीन को लेकर पूरा मामला था और जिन लोगों को चोटें आई हैं और जो लोग इसमें शामिल थे, क्या उनको पकड़ा गया है अभी तक? जी शिवानी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भलोनी थाना क्षेत्र के गरेड़ गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट होती है, लाठी डंडे चलते हैं, कई महिलाओं को चोटें भी आती है। जब ये पुलिस में शिकायत करने जाती है तो पुलिस इसका मुकदमा दर्ज नहीं करती है, लेकिन उसके बाद जब ये कप्तान के पास जाते हैं, एसपी के पास, तो उस आनंद थाना में मुकदमा दर्ज होता है। इसमें दोनों पक्षों में जमीन का विवाद बताया जा रहा है। अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं है, एक पक्ष से एनसीआर लिखा गया है। जी एफआईआर लिख ली गई है मनीष? जी, पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ मनीष एफआईआर लिखी गई? इसमें बताया जा रहा है तकरीबन 3 से 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एनसीआर दर्ज किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।